दिन भाई क्या ठंडी है। कल रात को वो जो पार्टी में गए थे आप लोग ने आउट्रो उसका इतना ब्रीफ में नहीं दिखा रहेगा बिकॉज वो पागलों की पार्टी थी। आई किड यू नॉट। और श्रेया तो निकल गए वहां से बिकॉज वी वर लाइक कि कुछ नहीं करना है। एंड इतनी बड़ी लाइन थी गाइज आई किड यू नॉट। मेरे को ये फंडा तो कभी समझ में आता है नहीं कि दो घंटा लाइन में खड़े रहो जाके ओवर प्राइस चीजें खाने के लिए। एंड उसके पहले मैंने 5 सेट्स ऑफ ये वाली चेस्ट प्रेस की मशीन की थी। भाई दिस जिम इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बट आज का जो वर्कआउट हुआ क्रेजी मैन, क्रेजी चेस्ट वर्कआउट। ये जिम का एक प्रॉपर टूर मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। बट ये प्रॉपर डेडिकेटेड पावर रैक सेक्शन है भाई। एंड देन उसके बाद ये डेडिकेटेड कार्डियो एंड आब्स के लिए, थोड़ा व्हील और थोड़ा फोम रोलिंग करके हल्के अच्छे सीधा मेरे फ्लैट में। ऑल्सो अभी तो थोड़ी हवा है तो सो सॉरी फॉर दिस बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि जिम के बाहर ये पूरा एक फुटबॉल फील्ड जैसी जगह है लाइक ऑल द वे वहां तक। लाइक अब भी आप लोगों को थोड़ा बेटर लग रहा रहेगा क्योंकि मैंने वाइड एंगल ऑन किया है बट दिस इज द पूरा फुटबॉल फील्ड इन लोगों का। गाइज आई किड यू नॉट इतना प्यारा जिम है लाइक इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। एंड अभी फाइनली थोड़ी अच्छी खासी धूप आई है। एंड एक और चीज मैं देख रहा था पहले तो ड्रीम कार टेस्ला राइट देयर बट यहाँ पे साइकिल पार्क करने के बार्स है जो मेरे को परसों से काम आने वाले हैं। एंड देन पीछे भी पूरा ये एरिया क्लियर है लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी यार। यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, एकदम क्लीन सनलाइट आती है। बट नॉट गोना लाइक घर की तो याद आ रही है। अभी जस्ट घर वालों से बात कर रहा था यहाँ पे आते आते एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग वॉक। मालूम है घर पे कैसे एक्टिव वाले के मैं लिटरली 9 मिनट में जिम में टच होता था। आर्यो को बोलता था कि मैं निकल रहा हूँ, 9 मिनट बाद निकल के भी टाइम पे पहुंचता था। बट यहाँ पे चल के आने को ही मेरे को 17 मिनट लग गए। पूरा ऐसा एरिया यहाँ पे तो थोड़ा दिमाग खराब हो गया। अभी कल डिकैथलॉन जाके साइकिल लेनी है, उसके बाद तो आई डोंट थिंक 7-8 मिनट से ज्यादा लगेगा इफ आई पेडल अप फास्ट। सो एवरी मॉर्निंग 7:20 के आसपास निकलूंगा मैं। 7:30 तक आई शुड बी और वार्म अप वगैरह भी हो गया रहेगा। बट या आज तो चेस्ट किया और थोड़े बहुत एब्स के 5 सेट्स कर लिए। भाई क्रेजी दिस प्लेस इज यार। बट आज चेस्ट किया, एब्स के थोड़े बहुत 5-6 सेट्स कर लिए। हम लोग कल जब भी ब्राइटन गए थे ना तभी थोड़ी बहुत चीजें और नोटिस की मैंने। सो यहाँ पे हेयर कट इज 18 pounds विच इज बेसिकली 2000 rupees। तो अभी तो मैं बाल कटवा के आया हूँ, थोड़ा आई लेट इट ग्रो। एंड दिस इज वन अदर प्लेस बाहरी कैंपस के जहाँ पे आई फील है कि 10-12 pounds में हो जाएगा। जो मेरा फैंसी हेयर कट है वो तो गया तेल लेने अभी से, वो तो हो नहीं पाएगा। सो आई फील है कि मेरे को नॉर्मल हेयर कट एवरी 1.5 months करवाना ही पड़ेगा। अभी पोस्ट वर्कआउट मील के लिए आई एम हैविंग अबाउट 200 grams चिकन एंड इसमें राइस माइक्रोवेव हो रहा है। ये माइक्रोवेव करने की टेक्निक एक्चुअली मेरे फ्लैटमेट ने मेरे को बोली। सो आई वाज लाइक ओके कूल। एंड लिटरली 6 मिनट या पहले 3-2 हाँ मोर ऑर लेस 6 मिनट माइक्रोवेव में रख के पानी वगैरह भिगो के इट इज डन। लाइक 200 grams राइस हो गए मेरे। अभी सिर्फ वे लेना बाकी है, देन मेरे को ओट्स भी बनाने हैं एंड देन आई हैव अ बिजी डे। आई विल जस्ट कैच यू गाइस इन द निकलते टाइम। ओरिजिनली मेरे को आज एक वीडियो पोस्ट करना था बट मेरा एडिटिंग कंप्लीट हुआ नहीं है। वाइस चांसलर्स का लेक्चर है, इसके लिए इतना खासा सच धज के जा रहा हूँ। भाई यहाँ पे जो उषा ने बोला था वो सही है, यहाँ पे लुक्स को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके लिए मेरे को जब भी ऐसे कुछ लेक्चर या इवेंट्स रहते हैं ना तब भी एकदम ड्रेसअप करके जाना पड़ता है। बट या आई एम क्वाइट लेट, 12:42 है, 1 बजे की पहले मेरी एक मीटिंग है विद श्रेय, मेरे को वो अटेंड करनी है। एंड उसके बाद वी हैव इंडियन स्टूडेंट्स का मीटअप एंड देन फाइनली वी हैव दैट वाइस चांसलर्स का मीटिंग। आई एम होपिंग टू मीट दैट पर्सन बिकॉज उससे मेरे को और स्कॉलरशिप की बात करनी तो है ही। सो आई एम जस्ट होपिंग कि भाई ये ब्लेजर टाइट हो चुका है सो उससे मेरे को स्कॉलरशिप की बात करनी है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि पड़ जाए यार वो। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ एंड मैं मेरा कैमरा का गोरिल्ला पॉड भूल गया था तो वो लेने के लिए आई हैड टू गेट बैक। एंड मेरी फ्रेंड यहाँ पे रुकी हुई है, प्रिटी श्योर शी इज मैड एट मी। यप, उसकी शक्ल से दिख रहा है कि वो गुस्सा है मेरे पे। एंड मेरा ब्लेजर बहुत ज़्यादा टाइट है सो मैं ऊपर नीचे कर नहीं पा रहा हूँ मेरे हाथ। सो इसके लिए आई नीडेड द गोरिल्ला पॉड वरना मेरे कैमरा को पकड़ते पकड़ते मेरा ब्लेजर फट जाता था। सो वन गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट ससेक्स इज दैट भाई कैंपस में सब कुछ है, ये पूरा कैंपस ही एक छोटा सा टाउन है। एंड दिस इज द सेकेंड ब्लॉग दैट यू गाइज आर वॉचिंग। मैं ऑलरेडी 2 vlogs फिल्म करके रखा हूँ। ये कैमरा वुमेन इतनी वायाद मिली है मेरे को। हाई एक हाथ में स्पार्कलिंग वाटर, भाई पीछे लोग बैठे हैं श्रिया, सो एम्बैरेसिंग। तूने फिल्म मेकिंग की है तो लोगों के बीच में चलना नहीं। इंडिया में की है तूने? शट अप।
वी एक्चुअली क्लियर द एरिया आस्क पीपल हां एनीवेज छोड़ो ये फालतू की बातें कर रही है बट आई वाज सेइंग कि यहां पे सो अभी तो यहां पे कुछ तो बिजनेस स्कूल में फोटो बूथ है वहां पे जाने वाला हूं मेरे को तू है ना बीच-बीच में इंटररप्ट मत करियो शट अप एंड वहां पे जाके फोटोज खिंचवा के वी आर गोइंग टू हैव स्टारबक्स जो मेरे को आज फ्री में मिलने वाली है एंड देन उसके बाद मेरी मीटिंग है श्रेय के साथ एंड देन एज आई सेड उसके बाद वो वाइस चांसलर्स का लेक्चर है एंड हे वो इंडियन मीटअप कितने बजे तक है 2 से 4 तक एक इंडियन मीटअप है लेट्स सी उधर फ्री का खाना मिल जाए यार एक नहीं है एक तो पता है पिछले एक हफ्ते में इतनी शर्म बेच के मैंने फ्री का खाना खाया है ना 24 सितंबर को बिजनेस स्कूल वालों के लिए फ्री मील्स है हाँ चलेगा अभी से मैं इंजीनियरिंग छोड़ कर बिजनेस स्कूल वालों सूट पहन के चले जाओगे मालूम भी नहीं पड़ेगा 19,000 लोग है कैंपस में यहाँ पे फ्रेशर्स वीक के लिए पूरा टाइम फ्री है वे ये ससेक्स का बिजनेस स्कूल है इनको बहुत टाइम लग रहा है तो यहाँ पे हमें स्टारबक्स लेने आया है अभी वो मीटिंग खत्म हो गई सो बेसिकली अभी मेरे को 3 रील्स पोस्ट करना है फॉर द कंपनी आई एम वर्किंग एट एंड पे अच्छा खासा है यार यूके में लाइक इंस्टा पे अगर इंडिया में रील्स पोस्ट करता था 500-600 रुपीस मिलते थे यहाँ पे आई एम गेटिंग 15 pounds फॉर ईच रील सो अगले 20 दिनों में 45 pounds तक आ जाएंगे आई एम ग्लैड मैन मेरा आधे महीने का कम से कम उससे ग्रोसरीज निकल जाएगा सो आई एम हैप्पी अबाउट इट चलो फोटो बूथ जाते हैं हम लोग फोटो बूथ नहीं जा पाए बिकॉज उधर रश थी एंड मेरी मीटिंग थी सो वी जस्ट केम टू दिस वन प्लेस बिजनेस स्कूल में क्वाइट प्लेस बोलते हैं इसको सो या एनीवेज चलो चलो